Hey guys, welcome to the Pika's Terrace Garden. Seedling का part 2. आगे की seedling में हमें किन methods का ध्यान रखना है और क्या-क्या करना है, ये सब कुछ share करूंगी मैं आप लोगों से आज के वीडियो में. तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी. मैंने आप लोगों से सॉइल शेयर किया और सीड को भिगाने का मेथड शेयर किया. अब आगे हम बढ़ते हुए सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें बीज किस तरीके के कंटेनर में लगाना है. ये मेरे हाथों में जो आप देख रहे हैं ये सीडलिंग ट्रेज हैं और मैं इस तरीके की ट्रेज को कट करके कटिंग को ग्रो करने के लिए यूज करती हूं क्योंकि इसका शेप जो है वो बहुत लंबा है. अब इस तरीके का कंटेनर आपको क्यों लेना है ये मैं बताती हूं. जो हमारी वाइन है जैसे लौकी, स्पॉन्ज कर्ड और ककुम्बर, उन सब की जो वेलें होती हैं उनकी रूट्स बहुत ज़्यादा और डीप में अच्छे से डेवलप होती हैं. अगर आप सीडलिंग के लिए इस तरीके से लॉन्ग साइज़ के बड़े साइज़ के कंटेनर को चॉइस करते हैं तो आपके जो पौधे की रूट्स हैं बहुत अच्छी बनेगी. अब ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसी को लो. आप प्लास्टिक के कंटेनर्स या आपके घर में मौजूद हर वो वेस्ट मटेरियल जिसे आप फेंकने वाले हैं आप उसको सीडलिंग कंटेनर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं अक्सर इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ, काम होने के बाद धोकर रख देती हूँ. इसके अलावा एक और चीज़, हम सबके घरों में दूध के इस तरीके से पैकेट आते हैं, चाहे आधा लीटर हो या एक लीटर. आप इन्हें अच्छी तरीके से धो लीजिए, ऊपर से कट कर लीजिए, जितने चाहिए उतने छेद इसमें कर लीजिए और ये देखिए मैंने स्टेपलर मारा है ना, इसी तरीके से इसे पलट कर उल्टा कर स्टेपलर मारकर इसे बेहद अच्छी ग्रो बैग के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं. ये प्लास्टिक धूप बर्दाश्त कर लेते हैं, इनमें जितनी चाहिए उतनी अच्छी जगह होती है, हमारे सब्जियों वाले बीज की पौध को जो जड़ बनाने के लिए चाहिए होती है उतनी परफेक्ट जगह होती है और इस तरीके से हम इसका दोबारा यूज इस्तेमाल कर सकते हैं. अब ये दूध के पैकेट आपको धो लेने हैं ताकि चिकनाई ना रहे और उसके बाद इस्तेमाल करने हैं. जितनी गहराई और चौड़ाई जो हमें चाहिए सब्जियों की पौध लगाने के लिए वो इनमें मौजूद होती है. तो जो भी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं उसका दोबारा इस्तेमाल करते हुए अपने सब्जियों की पौध लगाने के लिए कंटेनर तैयार कीजिए. ये बहुत सिंपल है गाइस, हर चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करने से खर्च भी कम हो जाता है और हमें चाहिए उतना अच्छा कंटेनर भी मिल जाता है. अब मैं आप लोगों से एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ, कितनी गहराई में आप बीज लगाओगे. समझ लीजिए ये कंटेनर है और ये जो सतह है वो मिट्टी की सतह है. थंब रूल ये कहता है कि हम जब भी जो भी बीज लगाते हैं उसे उसकी दोगुनी गहराई में, मतलब उसके साइज से दोगुनी गहराई में लगाना चाहिए. ये है थंब रूल. सब्जियों के बीज बड़े होते हैं तो आप उससे उसकी दोगुनी गहराई में लगा सकते हैं. इससे होगा ये कि बहुत ज़्यादा गहराई में लगने की वजह से आपके पौधे का जो अंकुरण है वो मरेगा नहीं. कई क्योंकि कई बार क्या होता है बीज बहुत गहराई में चले जाते हैं और अंकुरित होते होते पौधा बाहर आने की कोशिश करते करते मिट्टी में ही मर जाता है. तो आप अगर इस थंब रूल को ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपके बीज जो है वो खराब नहीं होंगे, पौधे खराब नहीं होंगे और अंकुरण अच्छे से होगा. अब बीज को किस तरीके से लगाना है ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके मन में आता है क्योंकि अगर आपने नोटिस किया होगा कि सब्जियों के ये जो बीज होते हैं इनकी एक तरफ राउंड सरफेस होता है और एक तरफ टिप होती है. टिप यानि जहाँ से वो अपने मेन फ्रूट से जुड़े होते हैं. ये जो टिप है यहीं से पौध भी निकलेगी और जड़ भी निकलेगी. तो हमें इसे इस तरीके से लगाना है कि जब अंकुरण हो तब ये बीज अपने आप को सही तरीके से रखे और अंकुरण और जड़ दोनों अच्छे तरीके से जम जाए. इसके लिए सिंपल है, आप 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपने बीज को मिट्टी के अंदर लगाइए. हर बीज को, जो भी बड़े साइज की सब्जियों के बीज हैं उनको, इसमें लोबिया नहीं आता. लोबिया को आप किसी भी डायरेक्शन में से ऊपर की तरफ रखेंगे तो भी वो अंकुरित होगा. बट ये बाकी जितने भी वन साइडेड पॉइंट वाले सीड्स हैं उनको इस तरीके से तिरछा करते हुए आपको मिट्टी के अंदर लगाना है ताकि जैसे ही उसमें न्यू शूट्स आए, शूट्स ऊपर की तरफ और रूट्स नीचे की तरफ आसानी से फैले बिना किसी प्रेशर के, और इससे आपकी पौध भी हेल्दी रहती है. हो गया सिंपल, कैसे बीज लगाना है, कितनी गहराई में लगाना है, मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया. अब एक चीज़ और, फूलों में जो बहुत बारीक साइज के बीज होते हैं, हर एक बीज की आप गहराई नहीं सोच सकते, तो जो चीज़ मैं करती हूँ वो कीजिए. मैं इस तरीके के फ्लैट कंटेनर्स में बहुत सारे बीज लगाती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा. सतह पर, मिट्टी की सतह पर इन बीज को फैला दीजिए और आधा इंच से भी कम
गहराई में इनको रखते हुए इसके ऊपर मिट्टी की एक पतली सी लेयर बना दीजिए। लेयर बस इतनी पतली होनी चाहिए कि आपका ये छोटा सा नन्हा सा बीज ढक जाए, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके ऊपर पतली सी मिट्टी की लेयर बनाने के बाद स्प्रे से पानी दे दीजिए तो आपके सारे बीज सेट हो जाएंगे और बहुत इजीली अंकुरित हो जाएंगे। बारीक सीड्स के मामले में इस मेथड को फॉलो कीजिएगा गाइस। मैंने सीडलिंग पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए गाइज, मिट्टी को मैंने मिला लिया, आप लोगों से सीड लगाने कंटेनर लगाने की इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर दी। अब मैं आपको सीड लगाकर भी दिखा देती हूँ। मैं इस बार अपनी सब्जियों के सारे बीज इसी तरीके की पॉली बैग्स में, सॉरी इसी तरीके की छोटे प्लास्टिक के ग्रो बैग्स जो मैंने बनाए हैं इनमें लगाने वाली हूँ। आप चाहो तो कोकोपीट को पहले भिगा सकते हो, लगाने से पहले भी और बाद में भी। जैसे मैंने इसमें ये सूखा मटेरियल भर दिया है तो सबसे पहले मैं इसको पानी से भिगा दूंगी। ये देखिए पानी कितना जल्दी सक कर लिया इसने। मैंने जो सैंड मिलाई है ये उसका बेनिफिट है। मिट्टी जितनी सॉफ्ट होगी, भुरभुरी होगी, उतने अच्छे से बीज को अपनी जड़ें जमाने में मदद मिलेगी। पानी फटाफट बाहर आ चुका है और मिट्टी बहुत अच्छे से भीग चुकी है। इसी तरीके का टेक्सचर आपको बनाना है अपनी सॉइल का कि इसमें पानी ना ठहरे और मिट्टी में नमी बनी रहे। अब ये देखिए मैं तिरछा करते हुए इस लौकी के बीज को इसमें लगा रही हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको इमेज के थ्रू बनाकर, सॉरी इसको सेट करना बताया। थोड़ी सी गहराई में बस हो गया। अब मैंने अपना बीज लगा दिया है और ये कंटेनर अब तैयार है। अभी 2-3 दिन तक मैं इसे शेड में रहने दूंगी, जैसे इसमें अंकुरण फूटेगा मैं इसे टेरेस पर धूप में रख दूंगी तो ये सेट हो जाएगा। सिंपल इन्फॉर्मेशन के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि कैसे आपको सीडलिंग करना है। इसके अलावा भी मैं कुछ शेयर करूंगी आप लोगों से गाइज, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिए, मैं आप लोगों की मदद के लिए तैयार हूँ। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए गाइज, आपके कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।